Welcome students. Today we are going to discuss about the topology of a network. At first we have to know what is topology of a network. What is network topology? Network topology is used to define how the nodes of in a network are connected via where the total architecture, how the nodes of a network. So what is computer network? Computer network is the connection between various computer with each other so that they can send data, etc. So here one is known as sender and another is receiver. Again, there must be one file server which is used to send file from one computer to another. There must be some printer server which is used to print the data, that is also connected in a computer network. So how these all peripherals, the computer, the printer, the file server are connected in a network via where, how they are designed to form the network, so that is known as computer topology. So depending upon this topology, computer network also classified like this. One network used one topology and another network may be used another topology according to the requirements of the process, how the receiver and sender wants their data to get the data from one another. So that is the different topologies are bus topology, star topology, ring topology, tree topology, mesh topology, hybrid topology. Okay, so now we are going to discuss bus topology. Okay, तो क्या हुआ, तो network topology क्या है? Network topology है, ये computer network में हम लोग जब computers को connection करते हैं एक दूसरे को data और sender और receiver की data send करने में और receiver receive करने में, तो वो लोग आपस में किससे जुड़ते हैं? Either via cable और सेटेलाइट से भी जुड़ते हैं. सपोज हम लोग यहाँ पे मोबाइल से दूसरे जगह पे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो वो भी तो एक नेटवर्क है. ठीक है, इन जनरल ये जो टोपोलॉजी है हम लोग लैंड टोपोलॉजी इसको बोलते हैं. लैंड टोपोलॉजी क्यों, हम लोग क्या जानते हैं? लैंड टोपोलॉजी मीन्स ये वन या फिर मैन, इस पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि इन जनरल ये टोपोलॉजी यूज होता है कि हाउ द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया केबल. तो वाया केबल मतलब हम लोग यहाँ से अगर वन जो नेटवर्क है तो वो क्या होता है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री में कनेक्शन होता है. तो कंट्री में कनेक्शन मतलब ऑब्वियसली वो वायरलेस कनेक्शन होगा, मतलब सेटेलाइट से कनेक्शन होगा, तो वहाँ पे तो वाया वायर नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो टोपोलॉजी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, तो ये टोपोलॉजी बेसिकली है हाउ द कंप्यूटर्स या फिर नोड्स ऑफ ए नेटवर्क आर कनेक्टेड वाया वायर. ठीक है, कि कोई केबल से मतलब इसका जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या होता है, वो वायर कनेक्टेड होता है. तो वायर कनेक्टेड किस में होगा, छोटा नेटवर्क होगा तभी हम लोग वायर कनेक्टेड करेंगे. ज़्यादा बड़ा नेटवर्क बहुत दूर तक तो हम लोग वायर कनेक्शन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस टोपोलॉजी को हम लोग लैन टोपोलॉजी भी बोलते हैं. ठीक है, मैन वन में नेटवर्क कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर्स कनेक्शन रहता है, तो वो क्या रहता है, वो वायर से तो नहीं जुड़े रहते, वो तो किससे डेटा ट्रांसफ़र करता है, वो तो सेटेलाइट से ट्रांसफ़र करता है ना. तो वाई वो सब है अनगाइडेड मीडिया. ओके, तो किस तरीके से ये जुड़ेंगे, किस तरीके से डेटा सेंड करेगा कोई भी लैंड टोपोलॉजी में, मतलब लैंड नेटवर्क में, मतलब कोई भी ऑफिस में जो नेटवर्क होता है, छोटा जगह का जो नेटवर्क होता है, तो वो डिपेंड करता है, उसको नेटवर्क टोपोलॉजी बोले जाते हैं. तो पहले हम लोग पढ़ते हैं बस टोपोलॉजी. बस टोपोलॉजी मोस्टली यूज होता है. ठीक है, ये कहाँ पे यूज होता है बोलो तो, ये इन जनरल कोई भी कंप्यूटर सेंटर बोलो, कहीं पे भी बोलो, ये बस टोपोलॉजी यूज होता है इन जनरल, बस टोपोलॉजी. तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, बस टोपोलॉजी में क्या होता है, बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल रहता है, ये है इसका मेन केबल. ठीक है, ये जो ट्रांसमिशन मीडिया है मेन केबल, इसको बोले जाते हैं बैकबोन. माइंड इट, इसको बोले जाते हैं बैकबोन. तो इस केबल से जितना भी तुम लोग जुड़े, इसमें पॉइंट रहता है, पोर्ट रहता है, एक एक पोर्ट करके इस केबल में रहता है, तो जो भी नेटवर्क में कनेक्शन होगा तो वो क्या करता है,
जितना भी नेटवर्क में नोड्स है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। तो नोड हमेशा कंप्यूटर ही हो, ऐसा बात नहीं है। ये देखो, ये प्रिंटर भी एक नोड है, ये एक फाइल सर्वर है, ये भी एक नोड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बस टोपोलॉजी है, बस टोपोलॉजी में एक मेन केबल रहता है, मेन केबल के साथ बाकी सब कंप्यूटर इसके साथ नोड्स वगैरह यहाँ पे जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे जिस लॉजिक पे डेटा सेंड होता है वो एक प्रोटोकॉल यूज करता है। इस प्रोटोकॉल के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल इज एन सॉफ्टवेयर यूज्ड इन नेटवर्क वेयर इट इज डिस्क्राइब्ड हाउ द डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर कैन बी सेंड। ठीक है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कैसे, किस लॉजिक पे डेटा सेंड किया जा सकता है, तो कौन से टोपोलॉजी कौन प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा, अलग अलग सा प्रोटोकॉल है। यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे इथरनेट बस टोपोलॉजी CSMACD प्रोटोकॉल यूज़ होता है। बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि CSMACD क्या है। मैं सिर्फ यहाँ पे बोल दे रही हूँ कि कैसे यहाँ पे यूज़ होता है, डेटा कैसे सेंड किए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये मेन केबल है, सब कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे कोई, अगर सब कंप्यूटर का खुद का एक एड्रेस होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, सबका अलग अलग सा एड्रेस होता है। फाइल सर्वर का भी एड्रेस है, प्रिंटर का भी एड्रेस है, अलग अलग सा एड्रेस है। तो डेटा जब सेंड करना चाहता है, सपोज 1, 5 को डेटा सेंड करेगा, तो कैसे सेंड करता है? वो जो डेटा सेंड करेगा वो डेटा को इस लाइन पे भेज देता है, ठीक है। तो हर डेटा में एक बात ध्यान में रखो, हम जो पिछले दिन पढ़े थे वहाँ पे डेटा पैकेट पढ़े थे कि सीरियल ट्रांसमिशन, पैरेलल ट्रांसमिशन, डेटा पैकेट पर बोले थे ना कि डेटा को कैसे सेंड किया जाए। तो यहाँ पे क्या करता है, जो डेटा सेंड करेगा तो वहाँ पे जो डेटा रहेगा, डेटा के साथ साथ क्या रहेगा, जिसको भेजोगे उसका भी एक एड्रेस रहेगा, मतलब रिसीवर का भी एड्रेस रहता है डेटा में। नहीं तो कैसे पता चलेगा, हम लोग अगर कोई किसी को लेटर भेजते हैं तो उस पे एड्रेस रहता है ना। तो यहाँ पे भी जो सेंडर भेज रहा है तो वो क्या करता है, जो डेटा भेजेगा, डेटा पैकेट जिसको हम लोग बोलते हैं, उस पैकेट में डेटा के साथ साथ क्या रहेगा, रिसीवर का एड्रेस भी रहेगा कि किसके पास डेटा जाना है, ठीक है। तो वो डेटा डेटा को इस लाइन पे छोड़ देता है। तो लाइन पे जब छोड़ देता है तो उसमें जो जो नोड बनता है, तो पहले क्या करेगा, पहले 2 देखेगा कि हाँ डेटा जा रहा है, कि ये इसका एड्रेस है, वो देखेगा कि इसका एड्रेस नहीं है, वो फिर से डेटा छोड़ दिया। फिर इसके ये देखेगा कि इसके पास गया, तो इसके पास गया कि इसका भी एड्रेस नहीं है, वो डेटा नहीं लेगा। फिर देखेगा, इस तरीके से हर कंप्यूटर चेक कर रहा है कि डेटा किसका डेटा मिल आ रहा है। तो जिसका भी डेटा आ रहा है वो क्या करेगा, वो डेटा को लेगा, ठीक है। लेने के बाद वो एक एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। एक्नॉलेजमेंट मतलब हम लोग जब रजिस्टर्ड चिट्ठी आता है ना, जो वहाँ पे क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप होता है मतलब हमने बोल दिया कि हमको मिल गया, तो वो स्लिप फिर से उसको चला जाएगा। तो यहाँ पे वो क्या करता है, डेटा में डेटा को लेके एक एक्नॉलेजमेंट उसको भेजता है, भेज के वो फिर से यहाँ पे उसको लाइन पे छोड़ देता है। तो लाइन पे वो डेटा फिर से घूम के जब 1 देखेगा कि उसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, मतलब डेटा रिसीव हो गया। तुम लोग एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट में बोल रही हूँ, डिलीवर्ड मैसेज जैसे आता है, डिलीवर रिपोर्ट, दैट इज एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। तो उस तरीके से एक एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अब है कि यहाँ पे सपोज एक साथ 1 भी डेटा सेंड कर रहा है, 3 भी डेटा सेंड कर रहा है, कर ही सकता है, ठीक है, एक साथ, क्योंकि किसको पता है कि एक लाइन पे। तो ये क्या है, ये वन वे है, मतलब एट ए टाइम एक ही डेटा भेज सकता है, एक डेटा जाएगा फिर दूसरा डेटा आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए कोई भी नोड को डेटा भेजने से पहले उसको वहाँ पे चेक करना होता है कि इस लाइन पे दूसरा कोई डेटा भेज रहा है कि नहीं। अगर देखेगा कि लाइन खाली है तब जाके इसको ये डेटा भेज सकता है, और अगर देखेगा कि लाइन पे ऑलरेडी एक डेटा है तो इसको डेटा, ये डेटा नहीं भेजेगा, ये वेट करके रहेगा कि कब तक कि एक्नॉलेजमेंट आएगा कि हाँ हम लोगों का लाइन खाली है। वो हमेशा उसमें मॉनिटरिंग करता रहेगा कि लाइन खाली हुआ है कि नहीं। इसको कोलेशन CSMACD प्रोटोकॉल इसलिए फॉलो करता है। CSMACD मतलब कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिशन डिटेक्ट, मतलब कोलिशन डिटेक्ट मतलब अगर 2 डेटा जाएगा तो डेटा तो एक के साथ दूसरा कोलिशन हो जाएगा ना, तो इसलिए कोई एक साथ 2 डेटा
नहीं भेजता है, एक भेजेगा फिर वो उसको लाइन को मॉनिटरिंग करेगा कोई भी डेटा भेजने से पहले, अगर डेटा खाली है तब जाके वो डेटा जाएगा, ठीक है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेज डिसएडवांटेज है सिंपल आर्किटेक्चर, मतलब यहाँ पे कोई भी नोड को सिंपल यहाँ से ऐड कर दो बैकबोन के साथ तो वो ऐड हो जाता है, और इसका कुछ हेडेक नहीं है, एक सिर्फ उसको ऐड कर दो उसका एड्रेस मिल जाएगा वो ऐड हो जाएगा। तो सिंपल आर्किटेक्चर है, शॉर्ट केबल लेंथ, ज़्यादा केबल नहीं लगता है, ठीक है। इजी टू एक्सटेंड, इजी टू एक्सटेंड मतलब सिंपल आर्किटेक्चर इसलिए इजी टू एक्सटेंड है, इजी टू एक्सटेंड मतलब इसको खूब इजीली इसमें तुम लोग नोड ऐड कर सकते हो। और डिसएडवांटेज है, मेनली डिसएडवांटेज है ये बैकबोन अगर खराब हो जाए तो पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये बैकबोन इसका मेन पार्ट है, ये याद रखना, बैकबोन बास टोपोलॉजी में यूज होता है, चीज है मेन पार्ट। स्पीड लो होता है एंड डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस फॉल्ट, मतलब कौन से कंप्यूटर में फॉल्ट हुआ है वो चेक करना, क्योंकि एक एक करके तो चेक करना पड़ेगा ना, तो इसलिए कौन से कंप्यूटर में फॉल्ट है तो वो देखना वैसे डिफिकल्ट होता है। लूज कनेक्शन है, क्योंकि किसी भी एक कंप्यूटर में लूज कनेक्शन है, कोई भी होता है कि नहीं होता है वो होता है। अच्छा, डिपेंडेंट ऑन होस्ट नोड, होस्ट नोड मतलब यहाँ पे मॉनिटरिंग के लिए एक टर्मिनल रहता है, ठीक है। टर्मिनल मतलब टर्मिनल सर्वर रहता है जिसपे ये मेन सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर आप वहाँ पे अपलोडेड होता है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये तो सेम ही हुआ, फॉल्ट डायग्नोसिस, फॉल्ट आइसोलेशन, इतना पढ़ना नहीं है, दो पढ़ोगे तो हो जाएगा। अच्छा, नोड मस्ट भी इंटेलिजेंट, नोड मस्ट भी इंटेलिजेंट मतलब क्या है, वो जो प्रोटोकॉल मैं बोल रही हूँ वो तो, कि यहाँ पे कोई भी डेटा भेजने से पहले क्या करना पड़ता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है कि वहाँ पे केबल में कोई वैल्यू है कि नहीं, कोई अगर डेटा पैकेट रहेगा तो दूसरा कोई डेटा पैकेट नहीं भेजेगा, इसलिए हर कंप्यूटर में एक नेटवर्क का स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, जैसे कि वो प्रोटोकॉल फॉलो करना हो तो उस तरीके से वो नोड्स, हर नोड में वो होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर। तो वैसे कोई भी नॉर्मल कंप्यूटर यहाँ पे ऐड करके वो नहीं चल सकता। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी बहुत इजी है। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, जितना भी कंप्यूटर है वो कंप्यूटर एक मेन कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसको सर्वर कंप्यूटर नहीं, इसको हब बोले जाते हैं, ठीक है। ये होता है हब, हब क्या है, हब एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो इस डिवाइस से क्या होता है, एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है इसके जरिए, ठीक है। मतलब अगर 1 2, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, 1 2 3 4, अगर 1 को 3 में भेजना है तो 1 क्या करेगा, 1 हब में डेटा भेजेगा, हब जाके क्या करता है, 2 3 4, हाँ ये बात हमेशा याद रखना, जो भी डेटा पैकेट कोई भी सेंड करता है सेंडर रिसीवर को, एकदम ये दिमाग में रखना, कोई भी डेटा पैकेट जो सेंडर रिसीवर को सेंड करता है तो वहाँ पे रिसीवर का एड्रेस होता है, ठीक है, कि किसके पास वो जाएगा। हर कंप्यूटर का नेटवर्क में खुद का एक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस, तो वो आईपी एड्रेस वहाँ पे सेंड होता है। हम लोग जब फोन करते हैं क्या होता है, हम नंबर डायल करते हैं ना, किसी दूसरे के पास तो नहीं जाता है, तो वो जो नंबर होता है वो ही है उसका, उससे वो आईपी का कनेक्शन कर लेता है, ठीक है। तो 1 जब 3 को भेजना चाहते हैं तो वो जो डेटा पैकेट वो क्या करेगा, वो ये बीच में हब को भेजेगा, हब क्या करता है 2 3 4 तीनों को डेटा सेंड कर दिया। अब जिसका रिसीवर एड्रेस होगा रिसीविंग, वही ये डेटा पैकेट वो ले लेगा, ठीक है। ये हब 2 तरीके का होता है, एक है नॉर्मल हब और एक है इंटेलिजेंट हब। जो इंटेलिजेंट हब होता है उसको रिपीटर बोले जाते हैं, बाद में पढ़ोगे ये सब डिवाइस के बारे में। रिपीटर का काम क्या होता है, रिपीटर ये देख सकता है उसका पास वो लॉजिक है कि 1 अगर 3 को डेटा भेजेगा तो रिपीटर वो डिटेक्ट कर सकता है कि किसके पास डेटा जाना है, वो सिर्फ उसको ही भेजेगा, ध्यान से समझो। अगर ये हब नॉर्मल हब, जो इंटेलिजेंट हब नहीं है, ठीक है, अगर ये नॉर्मल हब है तो वो क्या करता है, 1 अगर 2 3 4 किसी एक को भेजना चाहेगा
तो वन क्या करेगा, हब में डेटा भेजेगा, हब क्या करेगा, टू थ्री फोर तीनों को भेजेगा, जिसका एड्रेस है वो ही ले लेगा, ठीक है। और अगर ये रिपीटर है, मतलब ये बीच वाला पोर्शन इंटेलिजेंट हब जिसको बोले जाते हैं वो है, वो क्या करेगा, वो वन अगर जो डेटा पैकेट भेजेगा वहाँ पे जो रिपीटर का एड्रेस है वो रिपीटर वो पढ़ सकता है, तो जिसका एड्रेस है उसको ही भेजेगा, टू और फोर को नहीं भेजेगा, ठीक है। तो ये है हमारा हब स्टार नेटवर्क। तो स्टार नेटवर्क में क्या है, स्टार नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर को कनेक्ट करना बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि एक जगह पे सिर्फ एक लाइन से कनेक्ट कर दोगे हब, वो तो ईजी है, पर यह पे हब को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, मुश्किल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है, और हब मस्ट भी इंटेलिजेंट, ठीक है। और हब अगर खराब हो जाए तो पूरा ये नेटवर्क एकदम बैठ जाएगा, एकदम खराब हो जाएगा, ठीक है। तुम लोग ये डिटेल्स पढ़ लेना, मैं एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है कि इजी टू इंस्टॉल एंड वेयर, ऑब्वियसली इजी टू इंस्टॉल, सिर्फ एक लाइन केबल से कनेक्ट कर दो, एलिमिनेट सिंगल कनेक्शन फेलियर, हाँ सिंगल कनेक्शन तो है, कोई भी एक खराब हो जाए उसको निकाल दो तो निकल जाएगा, तो बाकी दूसरे को तो इफेक्ट नहीं होगा, वो तो सिर्फ अलग से कनेक्शन है। फॉल्ट डिटेक्शन इजियर, सेम ही है, फॉल्ट डिटेक्शन भी इजियर है कि कौन किसको नहीं भेज रहा है, कि अगर वन को नहीं भेज रहे तो यहाँ पे तो वो को तो पता ही चल जाएगा वन पे, तो वो उसको नहीं, क्योंकि हाफ तो कंट्रोल कर रहा है ना। इजी रिकॉन्फ़िगरेशन सेम है, इंस्टॉल एंड रिकॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, ठीक है, एक ही चीज़ को चार बार लिखे हैं, चार बार नहीं दो दो बार। डिसएडवांटेज है रिक्वायर लॉन्गर केबल लेंथ, मतलब अगर यह इस नेटवर्क को हम लोग थोड़ा ज़्यादा बड़ा लैन नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं देन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी छोटे जगह पे, मैं क्या बोली कि बस टोपोलॉजी जैसे कंप्यूटर सेंटर में जो होता है वहाँ पे बस टोपोलॉजी यूज़ होता है, तो उससे बड़ा नेटवर्क में स्टार टोपोलॉजी हम लोग यूज़ करते हैं। इन स्टार टोपोलॉजी सिंस इज नॉट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल हब, इट रिक्वायर्स ए लार्जर लेंथ ऑफ केबल, दस द वर्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इंस्टॉलेशन इंक्रीज कॉस्ट कंसिडरेबली। तो यहाँ पे ताकि जैसे कि लार्जर नेटवर्क पे यूज़ होता है तो यहाँ पे केबल लेंथ ज़्यादा लगता है, हाफ डिपेंडेंट तो है ही, एक्सपेंसिव मतलब हाफ को भी तो मेंटेन करना है, तो वो हाफ में एक सर एक नेटवर्क एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू बास एंड रिंग टोपोलॉजी।